एक बहुत प्रिय प्रसंग है मेरा, स्वामी श्री हरदास जी महाराज जब वृंदावन में विराजते थे, बिहारी जी प्रकट हुए थे, प्रकट हुए कुछ महीने हुए थे बिहारी जी को, अब तो कितने 500 वर्ष हो गए, 500 वर्ष के आसपास हो गए बिहारी जी, अभी बिहार पंचमी गई है, श्रीकुंज बिहारी प्रकट हुए, निधिवन में विराजते थे, तो महाराज धीरे धीरे दसों दिशाओं में हवा की तरह बात फैल गई कि श्री वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी के प्रभाव से और उनके भजन के प्रताप से ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं, बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं। सब दर्शन करने के लिए आते थे। लाहौर के एक सेठ को पता चला कि श्रीधाम वृंदावन में कुंज बिहारी प्रकट हुए हैं। कुंज बिहारी को अर्पित करने के लिए उस सेठ ने खस का इत्र मंगवाया। हमारे बिहारी जी को इत्र की सेवा बड़ी प्रिय है, और अभी गर्मियों के समय में तो चोबा, खस जो बनता है ना उसका जो गाढ़ापन होता है उसको चोबा कहते हैं, वो बिल्कुल ऐसा तार जैसा होता है, वो लगाते हैं बिहारी जी, माथे पे लगाएंगे, ठोड़ी पे लगाएंगे, अंग पे तो खूब मालिश करवाते हैं बिहारी जी इत्र की। तो एक लाहौर का एक सेठ था, वो इत्र उसने मंगवाया महंगा वाला खस का, और स्वर्ण का बढ़िया पात्र लिया, उसमें इत्र लेकर के बिहारी जी को चढ़ाने के लिए निकल पड़ा लाहौर से। स्थिति ये बताते हैं कि महाराज उसके इत्र की सुगंध ही ऐसी थी कि वो जिस जिस नगर से निकलता था वहां के नगर के लोग अपने घरों में बैठे बैठे उस इत्र की सुगंधी का अनुभव करते थे। बोले भैया ये सुगंधी कहां से आ रही है, तब बताते बोले एक लाहौर का भक्त है, वो वृंदावन जा रहा है बिहारी जी को इत्र चढ़ाने, तो उसी के इत्र की सुगंधी है। तो कई लोग तो इत्र की सुगंधी को सूंघ करके उस भक्त के संग हो लिए कि हम भी चल रहे हैं बिहारी जी का दर्शन करके आएंगे, और देखते ही देखते महाराज हजारों भक्तों की टोली वृंदावन पहुंची। परंतु उस भक्त के भीतर में थोड़ा सा मान आ गया कि मैं बहुत बड़ा इत्र लेके आया हूँ, सोने के पात्र में लेके आया हूँ, महंगा वाला इत्र है, वृंदावन के लोग सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, भाई ऐसी वस्तु ठाकुर जी को किसी ने नहीं अर्पित की जैसी ये लेके आया है। जैसे ही निधिवन राज में उसने प्रवेश किया, ठाकुर जी राजभोग अरोग रहे थे, कपाट लगे हुए थे, सब रसिकाचार्यों ने कहा भैया अभी तो ठाकुर जी को भोग लग रहा है, अभी समय लगेगा दर्शन में, तुम एक काम करो, तब तक क्या करोगे, तो यमुना जी पे स्वामी श्री हरदास जी महाराज अपनी मानसी सेवा में बैठे हैं, तो वहां जाके स्वामी जी को प्रणाम कराओ। उसको पता नहीं था मानसी सेवा किसे कहते हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज मानसी में बैठे थे, आज भी मैंने अपने नेत्रों से इस भरी सर्दी में भी वृंदावन के संतों को पसीने में लथपथ देखा है मानसी सेवा में। वो किसी स्थिति में होते हैं, उनका देह वहां होता है लेकिन चित्त वहां नहीं होता। जैसे ही वो भक्त पहुंचा तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे थे मानसी सेवा में, कभी हिल रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी कोई भाव मन में, अंदर ही अंदर कुछ कुंज की लीला चल रही है। उसको थोड़े अपने इत्र का मान था, उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और थोड़ा समीप ना इत्र रख दिया और इत्र का ढक्कन और खोल दिया ऊपर से कि सुगंधी आ जाए तो स्वामी जी के नेत्र खुलेंगे, तो ये पूछेंगे भैया सुगंधी कहां से आई, तो मैं बताऊंगा मैं लेके आया हूं। और स्वामी श्री हरदास जी महाराज थोड़ी देर तो चिंतन करते रहे, और थोड़ी देर में ही ना जाने क्या हुआ ऐसे रेत को आसपास अपने खोजने लगे, कुछ कुछ खोदने लगे, तभी वो इत्र के पात्र पर उनका हाथ पड़ा, उन्होंने उठाया, उठा करके सीधा उसको यमुना जी में फेंक दिया, पूरे इत्र को स्वर्ण के पात्र के सहित फेंक दिया। भक्त तो देखता रह गया, इतना महंगा इत्र, इतने महंगे पात्र में लेकर के आया मैं, और अभी ठाकुर जी को चढ़ा भी नहीं था और ये बाबा ने फेंक दिया। एक बार भी ये विचार नहीं किया कितना महंगा है, क्या है ये कैसी स्थिति है भैया। वो स्वामी श्री हरदास जी को पकड़ने के लिए कुछ पूछने के लिए जाने लगा तो वैष्णवों ने रोक दिया, बोले अभी स्पर्श मत करना, स्वामी जी मानसी में, अब उसको क्या पता मानसी क्या होती है। वो तो मनी मन सोचने लगा मैं बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ा अपराध हो गया, इतने रुपया तो अपने घर में खर्च कर देता मैं, और ये कौन से बिहारी जी आ गए हैं इनके लिए इतना महंगा इत्र लाया, और ये मैं उनको अर्पित भी नहीं कर पाया, ये बाबा ने पूरा फेंक दिया यमुना जी में। मन ही मन सोच रहा था अभी चला जाऊंगा वापस और जीवन में कभी वृंदावन नहीं आऊंगा। तभी स्वामी श्री हरदास जी महाराज के नेत्र खुले, प्रणाम किया, और प्रणाम करके जब नेत्र खुल करके आसपास देखा तो वो भक्त बैठा था, उसने प्रणाम किया। स्वामी जी बोले बिहारी जी का दर्शन किया तुमने, नहीं अभी राजभोग पा रहे हैं, जाओ जल्दी जाओ ठाकुर जी के दर्शन खुल गए, दर्शन करके आओ। भक्त बोला अब इत्र तो गया नहीं ठाकुर जी को, इनसे क्या पूछूं मैं, इतने भक्त खड़े हैं उनके, इतने सेवक खड़े हैं, इनके सामने क्या बोलूं, बिहारी जी को दर्शन करके वहीं से ही निकल जाऊंगा, आऊंगा ही नहीं लौट के। जैसे ही निधिवन राज में प्रवेश किया, निधिवन के प्रत्येक लता गुल्म पर वो इत्र छिड़का हुआ था,
और जैसे ही बिहारी जी के सन्मुख पहुंचा है तो सघन कुंज में मुकुट से लेकर के पैर के नख तक बिहारी जी के अंग से वो इत्र चुचा रहा था, थोड़ी पर मानो जैसे वो इत्र नीचे टपक रहा हो। उसका देह कंपायमान होने लगा। बिहारी जी को प्रणाम किया, दौड़ करके स्वामी श्री हरदास जी के पास गया। बोले, मैं आपकी लीला समझ नहीं पाया, आपने मेरे इत्र को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, यमुना जी में फेंक दिया, तो फिर निधिवन में वो इत्र ठाकुर जी को कैसे पहुंचा? वहां की सघन कुंज लताओं पर इत्र की बूंद क्यों है? वो सुगंध से क्यों सुगंधित हो गया पूरा निधिवन? जब इत्र आपने यमुना जी में फेंका तो वहां क्यों पहुंच गया वो, मुझे बताइए भगवान, नहीं तो पागल हो जाऊंगा मैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपनी मानसी सेवा का उजागर किया। मानसी सेवा कभी उजागर नहीं करते संत लोग, लेकिन आज उसके हृदय के भाव के लिए उजागर किया। बोले, अरे लाला, तो कहा बताऊं, मानसी में आज श्यामा श्याम दोनों होरी खेल रहे, होरी खेल रहे, तो श्री किशोरी जी के पक्ष को मैं हतो। इतने में ही लाला ने जोर की पिचकारी मारी किशोरी जी पे, सो किशोरी जी पूरी रंग गई। सो मोसो बोली, सखी सुन, ऐसा चटक रंग लेके आ कि या कार्य को और कारो कर दू, तभी मैं खोजवे के काजे निकलो कि भैया कहीं कोई चटक रंग मेरे। इतने में ही तेरे द्वारा अर्पित वो इत्र मेरे हाथ में आ गयो, मैंने किशोरी जी को दे दी और किशोरी जी ने श्याम सुंदर पर फेंक दियो और ठाकुर जी को अर्पित है। बोलो, कुंज बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।